ये बनेगी भुजिया वाली घंटे की सब्जी। ये मैगी नूडल बना गई मम्मी। घंटे की सब्जी तैयार। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। क्या हाल है सबको? राधे राधे। तो आज नए वालों के साथ नई शुरुआत करते हैं। आज आपको नया विहान देखने को मिलेगा और हम लोग एक नया रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि आज से दिखेगा, क्योंकि इसका हेयर कट हो गया है, अच्छा लग रहा है। ऐसे सब लोगों के सामने मेरे गाल पकड़ के तो लोगों को क्या महसूस कराना चाहती है कि मेरी डबल चिन नहीं है, मेरा गाल मोटे मोटे नहीं। यार मैं मॉडर्न में बीमार हो गया हूँ। आज थोड़ा बहुत सही फील कर रहा हूँ, पर अभी भी थोड़ा चेस्ट हैवी फील कर रही है, क्योंकि मेरी छाती पे बोझ है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ है। इसलिए तो आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसा। कैप्शन में तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि हमारी जो मदर है, माय मॉम, वो आज जसलीन को एक मारवाड़ी डिश सिखाने वाली हैं। वाह वाह। और गोयल साहब भी इसमें हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में ज्यादातर सब्जी तो गोयल साहब ही बनाते हैं। आप सिखाओगे क्या? गोयल साहब से सिखवा लेंगे। अभी पापा खाली सुबह बनाते हैं। कितने ज्यादा मॉडेस्ट हो रहे हैं, कह रहे जो भी सब्जी है ना मैं पूछता इसी से ही हूँ। आओ चलिए, आइए गोल साहब, किचन आपका इंतजार कर रही है। आइए चलिए भाई। और आज मुझे क्यों पंजाबी खाना तो बढ़िया बनाती है, आज तो मारवाड़ी वाला कुछ सीख वो सीखने जा रही हूँ ना, तो उसमें हाँ। थोड़ा तो बंदा होता है ना कि आज मुझे कुछ बढ़िया खाने के लिए मिलेगा, पर मैं खाऊंगा बहुत कम क्वांटिटी में, क्योंकि मेरा जी बहुत ज्यादा अभी भी घबरा रहा है, गैस्ट्रिक हुआ वो ऊपर तक मुझे। अरे मेरे ऑलरेडी बहुत गैस्ट्रिक हुआ है ऊपर। अब शेफ की तरफ मोड़ ले जरा कैमरा। बेसन के गट्ठे बना के क्या बना रहे? क्या बना रहे? बेसन गट्टों की सब्जी आज बनाई जा रही है। वाह, वन ऑफ माय फेवरेट सब्जी। वैसे ये मुझे आती भी नहीं है, मेरी मम्मी भी बनाती है, लेकिन मैंने कभी सीखने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि मेरे को मुझे बहुत अच्छी लगती है ये। तो इन फ्यूचर यू विल नीड दिस सब्जी। कभी कभार अगर मैं गुस्सा हो गया तेरे से, तो अगर तू मेरे सामने ये सब्जी रख देगी तो आई माइट गेट नॉर्मल। वैसे तो आपको टिंडे की सब्जी पसंद है? टिंडे की, गट्टे की? टिंडे मिलते हैं अभी तो टिंडे नहीं आ रहे, बाद में तो आएंगे। नहीं आए अभी? जब मैं पूछूंगी वाणिया का क्या खाया, टिंडे टिंडे। पहले 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 बोलता था मैं टिंडे टिंडे, क्योंकि हमारे यहाँ टिंडे बहुत बनते थे, क्योंकि मेरे को टिंडे ही बहुत पसंद है, पर अब यहाँ टिंडे मिल नहीं रहे। टिंडे बहुत ज्यादा क्या टिंडे? हाँ तो पहले आंटी ने बोला पानी रख दो। जो भी करना है भाई, मिसेस गोयल की निगरानी में। अच्छा बेसन अभी लाऊंगी ना तेरे पास। बेसन छान के ज्यादा नहीं, तो छाना हुआ ले आया करो। थोड़ा सा छाना हुआ नहीं आता, छान के ही रखना पड़ता है। ठीक है पर मम्मी मैंने एक चीज नोटिस करी है, आप मुझे बता दीजिए, मैं डालती हूँ। आप बता दीजिए तो मैं को पता चल जाएगा क्या करना है। भाई अपने को क्या है, अपने को तो खाने से मतलब है। ये लो बेटा, इसमें बेसन डालो। पर ये स्वाद करके बताएगा कौन? हम ही करेंगे। सब आंटी मेरे को बताती जाएंगी, मैं बनाती जाऊंगी, फिर टेस्ट करना कि वैसा टेस्ट आ पाया या नहीं। यार दीदी मुझे मम्मी वाली सब्जियां उतनी खा। अरे तो बना आंटी रही है यार। नहीं मुझे वही तो प्रॉब्लम है, वही तो प्रॉब्लम है कि मुझे मम्मी की बनाई सब्जी पसंद नहीं आती। अब जब से मैं जब से पिछले 4 साल से मैं जवान हुआ हूँ, मुझे मम्मी की बनाई सब्जी पसंद नहीं आ रही। थोड़ी मिर्च डाली हमने, थोड़ा नमक। 4 साल से बना चार साल से जवान है। हाँ जीरा जीरा ये रहा, बस थोड़ा सी डालना। चार साल से जवान है। गाढ़ा गाढ़ा कर लेंगे। अब मम्मी का कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, ये अपना जसलीन से बनवा लिया। जसलीन से बनवानी है। पर तू तो कह रही है हाँ तेरे को शेफ चाहिए आके। अरे मैं बताना भूल गया, ये मेरे
लगा वाली वाली विहान, मैं आपके घर में आके खाना नहीं बनाऊंगी, मुझे शेफ चाहिए। और तो बोली क्या, इसको बोलने का तरीका क्या था? बोली क्या कहते हैं कि ना विहान आप अपने घर पे शेफ रख लो, आंटी पूरा दिन काम करती है। तो मैं बोला मम्मी जानबूझ के नहीं रख रही, मम्मी को खाना बनाने का शौक है और मम्मी को ऐसा है कि कुछ मैं बना के खिलाती रहे। तो फिर बाद में अगले दिन मुझे बोली, बोली रख लो जरूरी है, आंटी के हाथ में जरूरी है, आंटी के हाथ में दर्द रहता है। तो मैं बोला तू इतना क्यों बोल रही है, क्योंकि मैं फ्यूचर में आके नहीं बनाऊंगी। मैं मेरे घर पे रोज बनाती हूँ, क्योंकि दिल्ली में आके मेरे घर पे नहीं बोला, खा मेरी कसम, आंटी के लिए बोला आपकी कसम। अरे कोई बात नहीं, कभी कभी तो बना के खिलाएगी ना। नहीं बोलती मैं कभी भी, अभी बीमार पड़ सकता है भाई। अभी मेरे घर में जब से 3-4 महीने हुए हैं तो मेरे घर में नहीं लगा, अदरवाइज 4-5 साल से मेरे घर आपको पता है शेफ ही था। मैं सामने ही बोल के गई थी उस दिन, बोला था ना मैं नहीं खाना बनाऊंगी। ये है कोई नहीं, कोई नहीं, हमारी प्रिया है, प्रिया भी नहीं बनाएगी। सुबह 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 हमारे गोयल साहब है, अंकल बनाते हैं जो मेरे लिए दबा दब हर बार अगला सब्जी बनाते हैं। ये देख लो भाई, पहले मेन चीज पे फोकस कर लो। ये सब्जी बना ब्रोकली की, पनीर की सब्जी। हाँ प्रिया खाली दो ही सब्जी बनाती है हमारी, ब्रोकली और पनीर की सब्जी बनाता हूँ, शाही पनीर। तू कहाँ मॉल में आंडरी दी? मम्मी इसको देखना, पूरा भाई बीमार रहा, गैस ऊपर खड़ी तक हो रही। लग तो नहीं रहा बीमार जगह से। वो तो मैं एक्टिव रहने की कोशिश कर रहा हूँ अब। हाँ बताओ, अब ये पानी उबलता है, इसमें क्या डाले हो? अब ये गीला गीला कैसे हो गया? तो पानी डाल के घोला, इसमें मसाले डाले हैं। कितना पानी डाला है? थोड़ा सा डाला है ताकि वो अच्छा सा पेस्ट बने। वो लगा दिया तेल, इसमें लगा दिया, इसमें तेल लगाया, करछी में तेल लगाया। अब ये क्या, इसके ऊपर ऐसे डालना है? नहीं मैं कर लूंगी, बस इसके ऊपर डालते हैं ताकि वो नीचे चला जाए ना। हो गया, इसके अंदर से निकलेगा ये छोटा छोटा, आर पार हो जाएगा एकदम कतई। देख अच्छा ऐसा वाला बनाते, पीछे हो जाओ भाई, टाइट होगा, पतला हो गया। अरे किससे किससे सिखवा रहे हो यार? अभी मम्मी खुद मोती से फोन करके पूछी वाली कट्टे की सब्जी कैसे बनाते हैं। ये लो अभी रुक जा भाई। अरे भाई साहब, आंटी कह रही इंसल्ट कर रहा है, इंसल्ट मैं कर रहा हूँ भाई, बस बहुत है सब्जी बनाने का। ये तो आंटी इतना पीले वाला तो मुझे भी आता है। इसमें ये क्या है, जीरा डाले हो क्या आप? थोड़ा सा डाला, ये कदम है को डाल दिए, उसी टाइम डाल दिया था। तो ये बताओ, ये वाले गट्टे मैंने पहली बार देखे हैं, छोटे छोटे क्या बनाई है, पुपुनिया सी है, बूंदी लग रही है। तो बूंदी बना दी, गट्टे बनाने दे। मेरी मम्मी क्या करती है, थोड़ा ऐसे लेके ऐसे पानी में उबालेंगे, थोड़े मोटे मोटे। मम्मी यार कुछ ज्यादा स्टाइलिश हो रही थी, नहीं तो पता नहीं कैसे बनाते हैं ये भी बनते हैं। अरे इसमें लंबी लंबी बातियां बनती है, अरे ये भी बनते हैं, अंकल कह रहे हैं अंग्रेजी स्टाइल है। मम्मी बातियां बन बनाओगे आप? अरे ये भी बनते हैं, इसको नीचे छन जाएगा घर में से, वो वाले ना जल्दी नहीं बनते। अरे शॉर्टकट ढूंढ रही है, मुझे अरे जो गट्टे होते हैं ना मोटे वाले, वो क्या होता है उनमें मजा नहीं आता, वो वाला आधे कच्चे रहते हैं। तो बत्तियां तो हो ही नहीं रही, ये क्या, ये ऐसे लग रहा है मुझे वो जैसे उसमें वो भुजिया वाले भुजिया, और वो उसमें नहीं मटर में कीड़े नहीं गए। सच में वही लग रहे हैं, देखो तैरने वाले, मुझे वो ऐसे लग रहे जम्स हैं। मुझे मम्मी सही नहीं लग रहा है, नहीं सही है, सही है। मम्मी का मुंह देख के लग रहा सही है, आंटी खुद कॉन्शियस लग रही है। मम्मी को लग रहा है क्या क्या कर दिया ये, पकड़ो मम्मी, ये कह रहा है मुझे सही नहीं लग रहा, जिसने जीवन भर बैठ के खाली गाया वो बताएगा क्या सही है क्या नहीं है। मम्मी कह रही हो, मैं देख लियो बनने के बाद पता चल जाएगा। बाती की सब्जी थी गट्टे, ये भी है। अरे भाई हो गया, डैडी भी अचंभित है, बनती है। एक बार दादी को वीडियो कॉल कर दूं और ये दिखा दूं क्योंकि दादी और बाती की सब्जी बनाई है। दादी को वीडियो कॉल कर, ये मेरा पापा के फोन से कर। अब आपके फोन से एक बार दादी को वीडियो कॉल करना, दादी ऐसे ही बनाती है। अभी लो दादी को मिला दो, समाज बने होते हैं, वो स्पीकर पे डालो। मम्मी किसको,
दादी सोई तो नहीं होगी भाई, बढ़िया सा कवर ले लो और मेरा आंटी का। आंटी आ जाओ, तीनू मेरा तीनू। वो तो वीडियो कॉल उठेगी तो हटी जाएगा। हाँ माँ देखो, माँ माँ राम राम, माँ एक बार देखो, एक सेकंड रुको दादी, राम राम दादी, ये मम्मी धोखा दे रही है, बोले यह गट्टे की सब्जी है। माँ ऐसे आप माँ ये जर्मा आप निकाल आप माँ ये जर्मा है ना निकाल कर, जो आप गट्टा की सब्जी बनावा बेसन की पत्ती की, ये ऐसे ही बनेगी ना, पहले पानी उबालना चढ़ा दिया और फिर इसमें ये जर्मा। हाँ माँ बेसन की भुजिया वाली ऐसे ही बनेगी ना माँ, पानी में ये खाना जर से है। नहीं माँ अभी तो उबालू ना इसने टोपिया में, को पता नहीं चल रहा वीडियो कॉल पे, तो ये उबालना नागरी हूँ अभी तो, देखो आगे की रेसिपी बता दी, वही करूंगी माँ उबाल कर। हाँ ये कौन सी टीचर है जो खुद सीख रही है ये वो वाली क्लास टीचर है सुनने देगा, जो पहले खुद दो घंटे का पढ़ के आती है बाकी ठावरा ना आधा घंटा पढ़ा सके। हाँ माँ ये देखो जसलीन, ये जसलीन जैकलीन, दादी जी ये जसलीन सिक्का है माँ जैकलीन। दादी जी राम राम, राम राम दाई जी कैसे हो, आंटी ने अभी तक वीडियो कॉल पे इतना सीखा था वहां के सीखने गई है। चलो भाई मम्मी वो आपकी स्टूडेंट वेट कर रही है, आप आगे पहले सीख के आते पहले खुद एक्स्ट्रा क्लास लोगे फिर क्लास दोगे। आंटी कैसे करना है, चॉप करना है, बारीक बारीक काटते हैं बेटा, पतले पतले ना, लंबे या वो तड़के वाले छोटे वाले ना, वो जर में बनाया काटी ना, ये तो मेरी प्रैक्टिस है। अच्छा कब जाओगे, प्रिया चॉपर और ये मेरी मम्मी दो दो कर दिया, मैं कौन ताई, मम्मी जब भी सब्जी बनाओगी ना कोई भी तो मम्मी का एक डायलॉग फिक्स है, पहले ही कोई कमी बता देगी ईव शाही पनीर आ रही है, पिछली बार बनाई थी तो बोली टमाटर ज्यादा गिर गया गलती से ना पनीर बढ़िया खुदा और जिस दिन सब्जी थोड़ी खराब बन जाएगी बोली पनीर खट्टा है ईव तो गट्टा भी आपका सब आपका ईव काड़ा दोष दोगे आप, ये कह देंगे बेसन का ही दिना का पड़ा आजकल बेसन बढ़िया बन जाता है डैडी आप मदद तो कुछ नहीं कर रहे मम्मी की, क्या कह रहे मम्मी ये मम्मी के गट्टे तैर गए ऐसी बनती है जिन मम्मी के गट्टे तैर गए, इधर आओ बाबा इधर आओ, वो मम्मी के गट्टे तैर गए वो बह गए पानी में, ये मैगी नूडल बना गई मम्मी छुप गई बाथरूम में
ये कठिन ये गट्टे हैं कट्ठे पतली कर दी थोड़ी झरना तो आप ही दिए थे झरन गली है ऐसे झर झर ये बेसन बर्बाद हो गया बेसन खराब था भाई तुम दोनों की गलती नहीं है बेसन खराब था इनकी कोई गलती नहीं बेसन खराब आया मैं कह रहा हूँ झरना पतला था पतला कर दिया अब डैडी तेरे को प्याज शाही प्याज सिखाएंगे आओ गोयल साहब अब आप सिखाओ शाही प्याज मलाई पड़ी है मम्मी के गट्टे पे ये लो भाई गट्टे तो गए खराब मैं वही कह रहा था मम्मी के गट्टे तैर गए अरे बढ़िया आओ डैडी आप फिर मिर्ची बच जाए ना कैसी बातें करते हो पतले अरे बाती मल के ऐसे डलती है ज्यादा होशियार बन रही थी झर लो इसको लो मेरे को ही आती है खा मैं कह रहा हूँ इतना तो खा के मैं सीख गया ये बना के देखी दोबारा बनाओगे दोबारा बनानी पड़ेगी भाई इससे बढ़िया गट्टे तो यही है जो इसमें है मजबूत ब्लॉग से हट गए कुछ भी रुको चम्मच से डाल दे ये लग गया है प्याज में तड़का तो पहले प्याज में तड़के क्यों लगा रहे उसमें टाइम मसाला तो तैयार करें मैं छान में कर लूँ आप थोड़ा दूर हो जाओ आपको छींटे लगेंगी तो आप लोग छींटे आ गई अरे हट हूँ हट काट कर रही है जसलीन ने कर दिया ना मेरा हो गया जसलीन की वजह से हुआ बेसन पतला तो कट्टन में हो गई गड़बड़ क्या करें बच्चे ना डैडी सरदार वाला वो तड़का नहीं लगाना पंजाबियों वाला मेरे घर तो कम मिर्ची डलती है अंकल अपने हिसाब का अंकल तीखी मिर्ची भी खाते हैं आप ये लाने दो छोड़ो ये करेंगे डालना भी बहुत है थोड़ा सा इसमें डालेंगे पिछली बार वाला रिपीट ना हो जाए उड़ते मेरे अरे हां कहीं थोड़ा अलग वो है ना थोड़ा हटा भी हुआ आज है ना ये देखो मम्मी बना रही है दोबारा से एक बार फिर सेम मसालों का नए गट्टे वो ना थोड़ा टाइट होगा बेटा क्योंकि ये पापा ने भी एक बार उड़ाया है वो गैस भर जाती है ना छन्नी से मत करना वो चिपक जा रही है मैं
करो, झूठ नहीं बोलता, सही बोलता हूँ। अरे लोग कह देंगे व्यान की माँ व्लॉग में कुछ नहीं बोलती, घर में भी कुछ नहीं करती। दी तो फिर ले लेंगे दोबारा, क्या है कम पड़ गया था, थोड़ा गीला हो गया था इस बार, तो बेसन में पानी को थोड़ा ज्यादा पानी डल गया तो और बेसन डलवाएंगी। हो गया बेटा, बेसन ही तो है। पानी उबालना रखता, पानी उबाल दू, इसमें उबाल लेती हूँ। इनका क्या करें भाई, मैक्रोनी का ये भी मिक्स कर लेंगे। आप उस पर ध्यान दो, मम्मी करे कह दो, फिर मेरा ध्यान गैस जलाना बता। ठीक है, अभी पापा ने बताया कि थोड़ा उबलने दो पानी को ना। हाँ, पानी उबलेगा। मैं कह रहा हूँ झर लो, अब झर देगा नहीं, जा रहा है क्यों झर करेगा। अरे एक गुजिया मम्मी अरे उसे मजा ही नहीं आएगा मम्मी, क्या फिर वो तो प्याज जितने भुने में क्या मजा आएगा, उससे बड़े तो प्याज ही है। बाती बना के, हाँ ऐसे करके डाल दो, ये बाती है ना, काटा बेसन की टाइट आटा गूंद तो बनता है, वो अलग है पतले पतले बाती काट के। हाँ ये तो फिर चिपकेंगे नहीं, अभी उबलेगा पानी, फिर उसको अभी पानी उबल। एक बार डैडी को बना के दिखा दो, वो पकौड़े कोली बना रहे आप रहने को, कभी खट्टा की सब्जी बनाए थे क्या आप, तो हलवा भी नहीं बना रहे। तो आप तो इसको मारवाड़ी तड़का सिखाओ थे मम्मी, तो वही है ये तड़का, तड़का तो वही सेम बनेगा ना, तड़का तो सेम ही है, क्यों मसाले अलग है ना, मसाले ही अलग है, नहीं होते मसाले अलग हमारे। तू हल्दी डालती है अपने उसमें? नहीं मेरे में, तो आप तो डालोगे ना, आंटी डालती है, मैं हमारे में कम डालती है, ये एक दो सब्जी में डालती है, एक कप दाल में ज्यादा तो स्पेशली डालती है। अरे तड़के में ये होता है, होता है प्याज टमाटर बस मसाले 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 बेसन में आपने थोड़ा ही डाला ना, तो थोड़ा ही डालती हूँ पहले, थोड़ा मिर्च है, थोड़ी डालती हूँ सब पूछ के डाल जी, सब पूछ के डाल, आपके मसाले आस्क हर ओनली, शी इज द वन, शी इज द ट्यूटर। मुझे लग रहा है झरना कैंसिल, डर गई। अच्छा अब ये येलो कलर के बनेंगे, मेरे घर हल्दी यूज नहीं होती तो मसाले सब रेड रेड रहे, अभी पानी डलेगा बेटा। हाँ थोड़ी थिक करी बनेगी, फिर गट्टे डलेंगे, वैसे तो उसमें भी हम गट्टे डालते हैं। हाँ इसमें ताकि मसाला अंदर हो जाए, फिर पानी डाल के ढक के उबाले देते हैं। नहीं पहले उबलते हुए पानी में डालते हैं। अच्छा हाँ वही मतलब गट्टे रख दोगे ताकि मसाले रोस्ट हो जाए, ये रोस्ट हो जाए मैं आपको अपडेट देता हूँ, तब तक पहले ये हमारा मसाला रेडी हो रहा है और ये उबल रहा है, उसके बाद मम्मी फिर झरने की तैयारी में है, लेट्स सी इस बार मम्मी झर पाएंगी। ओ माय गॉड एंड द फाइनल काउंटडाउन बिगिंस, गिर गिर गिरेगा, अभी ठीक है ना, get the concentration focus
look at the viewers. Everybody is waiting for the moment. Mummy, smile aagi. Gatta baar aa gaya. मसाला भी रेडी, पानी डालो, थोड़ा सा कितना पानी चाहिए बता। डेढ़ ग्लास तो बहुत ही, मसाला कम है। अरे मम्मी कोई तो स्टैंड अपना रखो। तो अपने हिसाब से बना ले। नहीं वो मसाला कम है, पानी ज्यादा, पतले तह जाएंगे यार। मेरा अगली कहाँ की ट्यूटर है। इतना तो मैं खाना बनाती हूँ, मुझे पता है ना, ये गट्टे नहीं आते बनाने, वो सीख रही हूँ। खाना तो आता ही है। इसने पानी डाल दिया है। फाइनली मम्मी अपने अंकल कुछ ना खराब होने देते भाई। हो गया था। वो याद मत दिलाओ। अब मम्मी थोड़ी कॉन्फिडेंस में आई है जब मम्मी के गट्टों ने परफॉर्मेंस दी है। चलो भाई मम्मी फाइनली ब्लॉग का कवर लगेगा। गट्टे की सब्जी बना लो, मुंह पे मार दी अब रोटी बना। चर्चर लाओ, मैं एक साइड चपातीज बना लेती हूँ। एक साइड आटा लगा हुआ है। मैं चपाती बना देती हूँ। नहीं बेटा गरम गरम खाएंगे। रुक जा, कितना स्प्लिट तो सब्जी में ही जग लग जाएंगे, फिर ठंडे हो जाती है चपाती। यस, टाइम क्या हो गया भाई? नमक मिर्च डाल के अभी इसके अंदर ही डालो, अभी उबलते रहेंगे। मेरे को मसाला कम लग रहा है, मेरे को लग रहा है जैसे कम डाला है। पर ये कमी है ना, अब तो नहीं चिपके ना। ठीक है, अरे पहले पानी ठंडा लग रहा है, कम लग रहा पानी पतले। अभी करी में काफी टाइम लगेगा, पतली है मुने में तो काफी टाइम लगेगी। पहले पानी उबड़ा होगा, पहले उबड़ा ना। अब बोलिए मम्मी, आज मैं बनाने वाली हूँ भुजिया वाली गट्टे की सब्जी। मैं ये पहली बार देख रही हूँ गाइस। सब्जी तो बहुत स्वाद होती है भाई, ये डिपेंड करता है अब तूने मसाला कैसा डाला है। मैंने तो आंटी से पूछ के जितने जो मसाला डाला है क्या कलर कलर। मुझे चटपटी सब्जी चाहिए भाई गोयल साहब। ये देख लो मैं क्या कर रहे हैं पापा, छेड़गा नहीं कुछ नहीं। कलर नहीं, 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 नहीं। अच्छा ये मिर्च है, बहुत तेज होने लगा। नमक कम होगा आंटी, मैंने डाला कम। नमक कम है बेटे, हम छोड़ चलेगा। बस अंकल बस अभी अंकल ने ज्यादा मिर्ची कर दी है कलर के लिए। बढ़िया, आमचूर थोड़ा डाल दूं? डालते हैं ना, आमचूर भी डालता है, थोड़ा कम है। हम लोग ये बाद में मम्मी अपना स्पेशल टच देते हुए। आंटी जोश जोश में ज्यादा बोल रही है, नहीं ज्यादा नहीं, कहते सुरूर सुरूर कर रहे हैं, ठंड के मारे तो कर ही रहे हैं। बनने दो 5 मिनट के लिए। अरे ये कितने लोग की सब्जी बनाई है, जने हैं 1 2 3 इतने खाएंगे, 4 उधर प्रिया 5। आंटी थोड़ा पानी डालूं फिर? नहीं नहीं पानी नहीं चाहिए भाई, अपने को सब्जी बढ़िया चाहिए। ठीक चाहिए ना। हाँ अपने को पानी वानी नहीं चाहिए, गाढ़ी हो जाएगी, गाढ़ी बढ़िया सब्जी चाहिए। थोड़ी खा लेंगे लेकिन बढ़िया खाएंगे। मिनट तो एटलीस्ट वो पकने में ही लगेगा मसाला। 20 मिनट लगाओ। क्या कह रहे हो? क्या बोले एक बार बोलना, क्या है बेसन, क्या है पतला है। मम्मी कह रही बेसन पतला है। ये लो डैडी आपका हरी बात कह रही मम्मी, बेसन पतला है। नहीं बेसन मोटा पिसा है ना, नहीं बारीक पिसा हुआ है ना, मोटा पिसा है ये, बारीक पिसा है। तो पूरे 15 मिनट के बाद हम सब्जी चेक करने आए हैं और सब्जी क्या कह रहे हो मम्मी, हो गई तैयार।
तैयार है? चलो वही सब्जी तैयार है। तो भाई हम टेस्ट करने जा रहे हैं, सब्जी बन गई है, सीख भी गई मैं अच्छे से, समझ आ गया मुझे। अब टेस्ट करके देखते हैं। देखो कैसी, अभी गर्म है। जी लो आप भी खा लो। मैंने आप लेते हो। चलो जी फर्स्ट ट्राई है। बढ़िया, मस्त बनी है। दवाई ली है क्या? खा लो। थोड़ा सा 2 मिनट और पकानी पड़ेगी आंटी। पकानी पड़ेगी। हाँ ये सुच्ची है, मैंने बस एक चम्मच ही लिया उसमें से, इसमें डाल। वो लग रहा है हल्का सा, अभी पानी कच्चा कच्चा लग रहा है। अच्छा, थोड़ा मुझे लगता है ये पता नहीं अपने घर में आदत है या सबके घरों में होती है, डाइनिंग टेबल पड़ा है लेकिन बैठता कोई नहीं है। हम सब लोग खाना इधर ही बैठ के खाते हैं भाई। आज भी मजा इसी में आता है। हाँ यही बढ़िया। देखो ठंड बहुत है तो इसलिए हीटर चलाया हुआ है। और अब चपातियाँ आ रही हैं। वैसे तो मुझे खानी नहीं है पर फिर भी एक दो खाऊंगा, रोटी और थोड़ी सी सब्जी। मेरे को एक्चुअली बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक हो गया है, पहली बार ज़िंदगी में ऐसा हुआ है। डायरिया टाइप की फीलिंग है, मतलब कुछ भी खाओ तो अजीब से बर्ब्स आ रहे हैं और बाकी तो तुम समझ ही रहे हो क्या आ रहा होगा। तो फिर भी लेकिन 2 रोटी तो खाऊंगा आज। बोल के था डैडी आप नोटिस करें आज मैंने बाल कटा लिए, देखे नहीं आज आप? रोज तो आप बोलते बाल कटा ले, आज कटा के आ गया, देखे भी नहीं है तो साइड में भी ये भी छोटे कराए आगे के भी ना, तो दो थोड़े तो बड़े रखूंगा डैडी को, इतने थोड़े छोटे कर लूंगा ना इससे आधे क्या फेस फिर बहुत बड़ा बड़ा लगता है, क्योंकि मैं अब थोड़ी हैवी बियर्ड करने की सोच रहा हूँ और इसीलिए मैं बियर्ड तो हाथ ही नहीं लगा रहा हूँ बिल्कुल भी। ये नीचे नीचे से मैं कर लेता हूँ आज, जैसे नीचे नीचे से मैंने ट्रिम करवाई है, ऊपर ऊपर पूरा हैवी, एक बार बेस इकट्ठा हो जाएगा उसके बाद पूरा लुक आएगा। कुछ मान के चलो 1 महीने का प्रोसेस है, उसके बाद बहुत तगड़ा सेट होगा जो भी मामला सेट होगा। फिलहाल अब भूख बहुत लग रही है, ले आ भाई। पहले आप पे ट्राई कर रही हैं आंटी भाई। मैं भी आज तो बहुत बनी है, मैंने टेस्ट कर। थोड़ी सी चटनी डाल दे, थोड़ी सी। हाँ ये डैडी चटनी तो आप बनाए थे हैं? चटनी तो आप बनाए हो क्या जी की चटनी है? धनिया की। देखो भैया मैं जरा हाथ धो के आता हूँ, 1 मिनट। इधर चालू है भैया दबा दब रोटियां, इसके बाद जसलीन अपने घर भी जाके बनाएगी। हार्ड वर्किंग गर्ल, प्राउड ऑफ यू मैन, प्राउड ऑफ यू। आओ जरा अपना खाना पेट कर रहा है। कैसी लगी भाई गोयल साहब? बढ़िया हैं भाई, डैडी को तो मजा आ गया। क्या लेके दिखा? ये प्रिया मासी से यहाँ गई थी, वहां से सब्जी लेके। क्या चीज की सब्जी? गोभी की? नहीं मैं नहीं खाऊंगा, पापा को डाल दे। हाँ पापा को डाल दे। पास हो गए भाई। चलो ये तो जसलीन भी हार्ट टच हो गया तो बढ़िया बन गई। हाँ भाई जसलीन कैसी लगी, कैसी रही? हैं मजा आ गया। मैं कह रहा हूँ आज ये अरे मम्मी मजाक कर रहा था, वो तो मेरे को पता है सब्जी आप ठीक बना। अब मुझे मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, अब जसलीन को ये बनानी सिखाए। अब आप जसलीन से एक पंजाबी सब्जी सीखो। हाँ भाई जो आप बोलो, जो आपको पसंद है। मम्मी वाला बैंगन का भरता सिखा दियो, पंजाबियों की तो सबसे बेस्ट डिश होती है वो। हाँ भाई साहब मजा आ जाएगा। हाँ है ना, वो पापा की फेवरेट है। हाँ है वो पापा बैंगन का भरता खाते हो? बैंगन का भरता मैं सब। हाँ पापा सब खाते हैं। चलो तो गाइस इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का ब्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं जाऊंगा जसीन को उसके घर छोड़ के आऊंगा, बहुत लेट हो गया है। एंड आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक करना और रेसिपी अगर इनकी अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना जिसके हाथों से तुम ही गट्टे की सब्जी खाना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए राधे राधे।